अस्सलाम वालेकुम, हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद है इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान के लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है मोहम्मद उमर, आप देख रहे हैं एक जबरदस्त चैनल नवी रिएक्शन। तो भाई इंडियंस कैसे हो, आज आपके लिए स्पेशल वीडियो है। और काफ़ी मेरे जो सब्सक्राइबर थे उन्होंने कमेंट किया था, ज़्यादा नहीं, कोई 4-5 ने कमेंट किया था कि भाई राम मंदिर के ना वीडियो पर रिएक्शन दो। तो ले आए हैं भाई रिएक्शन। और जैसा कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई है रिसेंटली, तो उस पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, जो जिनका नाम है पीएम मोदी, हाँ मोदी, तो उन्होंने भाषण मतलब स्पीच दिया है इनॉग्रेशन सेरेमनी में। देखते हैं कि क्या कहा है। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाए, उनके चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने नहीं किया हुआ, और उनके ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट को सपोर्ट करें। तो साथ लगे हाथ भाई का चैनल भी यार सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर ही नहीं पाते। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। 3, 2, 1 हियर वी गो। साथियों, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के समय ये क्या है, कई कई पीढ़ियों ने मुझे ना ये बात काफी अच्छी लगती है, जो सब कुछ समर्पित कर दिया। जो पीएम मोदी है ना, वो काफी सॉलिड हिंदी बोलते हैं। कालखंड में कोई ऐसा समय नहीं था जब आजादी के लिए आंदोलन न चला हो। देश का कोई भूभाग ऐसा नहीं था जहां आजादी के लिए बलिदान न दिया गया। 15 अगस्त का दिन उस अथाह तप का, लाखों बलिदानों का प्रतीक है। स्वतंत्रता की उस उत्कंठ इच्छा, उस भावना का प्रतीक है। ठीक उसी तरह राम मंदिर के लिए कई कई सदियों तक कई कई पीढ़ियों ने अखंड अविरत एक निष्ठ प्रयास किया। आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में अर्पण भी था, तर्पण भी था, संघर्ष भी था, संकल्प भी था। जिनके त्याग, बलिदान और संघर्ष से आज ये स्वप्न साकार हो रहा है, जिनकी तपस्या राम मंदिर में नींव की तरह जुड़ी हुई है, मैं उन सब लोगों को 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से सर झुका करके नमन करता हूं। साथियों, राम हमारे मन में गढ़े हुए हैं, हमारे भीतर धूल मिल गए हैं। कोई काम करना हो तो प्रेरणा के लिए हम भगवान राम की ओर ही देखते हैं। आप भगवान राम की अद्भुत शक्ति देखिए, इमारतें नष्ट हो गई, क्या कुछ नहीं हुआ। अस्तित्व मिटाने का हर कोई प्रयास हुआ, बहुत हुआ, लेकिन राम आज भी हमारे मन में बसे हैं। हमारी संस्कृति के आधार है श्री राम, भारत की मर्यादा है श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसी आलोक में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर श्री राम के
इस भव्य दिव्य मंदिर के लिए आज भूमि पूजन हुआ है। ओके, वीडियो खत्म हो चुकी है। स्टार्ट करते हैं वीडियो का रिव्यू। वीडियो का रिव्यू यही है, ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है मुझे पता है, और मुझे इसकी वैसे इतनी हिस्ट्री नहीं पता, इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता कि यह बनना चाहिए था कि नहीं, क्योंकि मुझे ओरिजिनल कंटेंट का नहीं पता। लेकिन बस मुझे यही पता है कि जो बाबरी मस्जिद है उसको हटा के इन्होंने राम मंदिर बनाया है इंडियन गवर्नमेंट ने। तो ये काफ़ी ना देर से ये इशू चल रहा था, तो अब जाके ये टेम्पल बनने लगा है, तो मुझे इसकी हिस्ट्री नहीं पता, वो मैं पढ़ूंगा फिर इसके बारे में थोड़ा कमेंट कर सकता हूँ। लेकिन जो मुझे पहले सबसे पहले जो मैं देख के ना वीडियो देख के मुझे जो चीज़ का एहसास हुआ ना, तो काफ़ी अच्छी मैनेज प्लान्ड है, एक इनॉग्रेशन सेरेमनी करवाई हुई है। एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, इंडिया में भी सिचुएशन ऐसी है डिज़ीज़ की, और पाकिस्तान में भी ऑल्दो पाकिस्तान ने ये क्लेम किया कि उसने कोरोना मतलब ऑलमोस्ट कंट्रोल कर लिया हुआ है, लेकिन फिर भी एहतियात करने की ज़रूरत है। लेकिन जब यहाँ कुछ ऐसा फंक्शन होता है तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं किया जाता, और वहाँ मतलब प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द लोग इस तरह जमा होते हैं, मैं कहता हूँ यार क्या मतलब क्या जानी ये किस तरह की है कर। लेकिन जब हम इंडिया की तरफ आते हैं ना, तो यार ये पीछे से काफ़ी शोर आ रहा है, इग्नोर मारो भाई, इनको दफ़ा मारो, इग्नोर मारो, ठीक है। तो जब हम इंडिया की तरफ आते हैं तो एक सब काफ़ी अच्छा सोशल डिस्टेंसिंग है, ऐसी जो डिस्टेंसिंग की गई हुई है मतलब 6 फुट से भी ज़्यादा है, और एक अच्छा मैनेज किया गया हुआ है, तो इस पे अप्रिशिएट करना चाहिए। और दूसरी बात जो मैं बोलना चाहता हूँ वो ये है कि यार जो मुझे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी या पीएम मोदी की जो मुझे चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आती है वो है उनकी जो खालिस हिंदी। हमारे पाकिस्तान में खालिस उर्दू मतलब जो कराची वाले साइड वाले हैं लोग हैं ना वो ही बोलते हैं, मतलब आपका प्राइम मिनिस्टर भी नहीं खालिस उर्दू बोल सकता। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर अपनी जो लैंग्वेज है, जो उनकी लैंग्वेज हिंदी है नेशनल लैंग्वेज, उसको प्रमोट करती हैं, उसको जो फर्स्ट प्रेफरेंस देती हैं। और मतलब हिंदी अगर आप प्योर शुद्ध हिंदी इस तरह बोलोगे ना तो आपको बीच में लफ्ज़ समझ नहीं आएंगे। लिटरली अगर पाकिस्तान में प्योर उर्दू बोली जाए ना तो उसके भी ना समझ आए, क्योंकि हमने कभी सीखा नहीं है, कभी हमने सुनी नहीं है। तो जब वो पहली दफ़ा वर्ड्स आएंगे, फिर हमारे बच्चे अगर हम आज स्टार्ट करेंगे ना तो फिर जाके हमारे बच्चे सीखेंगे कि असल उर्दू है क्या। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी। अब बात करते हैं कि ये मंदिर बनना चाहिए था कि नहीं। यार एज अ मुस्लिम मैं तो कहूँगा ये इस तरह नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मस्जिद का मुकाम बहुत बड़ा होता है, लेकिन मुझे इसकी हिस्ट्री का नहीं पता तो इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन मेरी अगर पर्सनल फीलिंग यही ऑनेस्ट मतलब ऑनेस्ट और तो दिल की मेरी जो फीलिंग्स है ना वो मैं यही बता सकता हूँ, वो मैं आपके सामने रख सकता हूँ कि मैं तो चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस तरह ना होता, क्योंकि एक मस्जिद थी तो मस्जिद ही रह देनी चाहिए थी। तो इसके बारे में आपका क्या है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मुझे थोड़ा गाइड कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ पसंद आई होगी, एक रिएक्शन अच्छा पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।